जानकारी। देश में फिर से मंडराने लगा कोरोना संक्रमण का खतरा। देश में वह फिर से रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद एक्शन में है केंद्र सरकार, राज्य सरकार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसको लेकर मीटिंग की, अधिकारियों को दिए नए वेरिएंट का पता लगाने के निर्देश। तो सरकार पहले से ही तैयार है, तैयारी की जा रही है। राजधानी दिल्ली समेत कुछ राज्यों में कोरोना के केसों में उछाल देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र केरल में लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। तो यहाँ पर अब जो नया वेरिएंट है, विश्व पटल पर अगर हम देखें लगातार जो केस है वहां पर रोजाना रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भारत की बात करें तो भारत में भी जो स्थिति है उतने बड़े स्तर पर भयावह नहीं बनी हुई है, पर सरकार यहां पर रिस्क लेने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। जनता की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाई लेवल मीटिंग की और तमाम जो निर्देश है, तमाम जो आदेश है वो दिए गए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आप तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाते हैं। कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। इसको लेकर विश्व पटल से तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी नजर आ रही हैं। इसका नाम BA.5.A.7 है और ये वायरस काफी तेजी से फैलता है। तो कोरोना का जो ये नया वेरिएंट है इसको लेकर आप भी सतर्क हो जाइए। नया वेरिएंट के बाद हेल्थ एक्सपर्ट ने सावधानी बरतने की भी लोगों को सलाह दी है। ओमिक्रॉन के नए उप वेरियंट BA.5.1.7 और BF.7 अत्यधिक संक्रामक माने जाते हैं। तो इसका असर भी जो है वो बड़े स्तर पर लोगों के शरीर पर नजर आ रहा है। नए वेरिएंट्स ने ऐसे समय में दस्तक दी जब भारत में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो रही है, लोग खरीदारी के लिए निकल पड़े हैं, बाजारों में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। एक्सपर्ट्स चिंता जता रहे हैं कि अगर ये वेरिएंट्स भारत में आते हैं तो मुसीबत बढ़ सकती है। तो इसको लेकर अलर्ट पर है सरकार, तैयारी भी नजर आ रही है।